हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप बताओ मीत कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? नहीं मालूम? आप बताओ बेटा पीछे ऐश्वर्या, आप बताओ कैसे हो, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं? देखो बच्चों, जो आपके 11th क्लास के अंदर फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और यदि वैरायटी आपको मालूम है कितनी वैरायटी होती है, यदि आप सपोज किसी मार्केट में जाते हो तो वो आपको कहता है ये बादाम लेने गए आप सपोज, तो वो कहता है ये बादाम आपके पास इतनी वैरायटीज़ के हैं। तो इसी तरह फंक्शन कितनी वैरायटीज़ के होते हैं उसके बारे में आपने बात करनी है। तो आज हम कुछ खास खास फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के होते हैं। बच्चों पहला फंक्शन होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन के बारे में आप लोग क्या बता सकते हैं बच्चों, इसके बारे में, इसकी डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस और इन सब चीजों के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कैसा फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है शीन कि आप कुछ भी डालो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अब जैसे सपोज एक फंक्शन मैंने ले लिया f(x)=3, तो इस फंक्शन के अंदर जो मर्जी इनपुट हो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है बच्चों y=3, ये लाइन किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इसके डोमेन के बारे में बताओ बच्चों क्या होगा इसका डोमेन, इस फंक्शन का, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। और रेंज इसकी क्या होगी बच्चों, जो आपको कांस्टेंट दे रखा है उसके इक्वल होगी। और फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताओ, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस है फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन की है, कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा। कुछ भी आप डाल सकते हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, रियल, वो कॉन्स्टेंट ही आएगा। नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं बच्चों, एक फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी आपने बहुत जगह की हुई है, आप लोगों ने आइडेंटिटी जो है क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। 1 जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और इसी तरह आपने मैट्रिक्स के अंदर एडिटिव इन्वर्स किया हुआ है। तो आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, y=x, ये क्या होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है बच्चों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो हमेशा कॉन्स्टेंट जब नहीं होता तो कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ किस तरह का एंगल बनाती है बच्चों, 45। और डोमेन आपको मालूम है क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है। और रेंज क्या होती है, डिपेंडेंट, वो वाई होती है। तो इस फंक्शन में देख के डोमेन आपको क्या नजर आ रहा है मरमीत, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और जो रेंज है, रेंज का मतलब बी को सेट ए की तरफ देखना है, तो हर वैल्यू के लिए वैलिड है। तो इसका भी डोमेन क्या होगा बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। और इसकी जो मेन बात है कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस है ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आप लोग जानते हैं बच्चों, आपने लीनियर पॉलीनोमियल किया। आज हम किस बारे में बात करेंगे, लीनियर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसका भी डोमेन क्या होता है बच्चों, ऑल रियल नंबर्स, कहीं भी नहीं रुकता। और इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। और इसकी रेंज भी क्या होगी बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब आप समझते हैं, y=1/x हो गया, तो ये क्या बच्चों, रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इस डोमेन के बारे में बताओ बच्चों, क्या डोमेन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। और ये आपको मालूम है कि ये कैसा बनता है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये इस तरह जाएगी इसकी वैल्यू, और इधर से ये इस तरह जाएगी। ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके डोमेन में क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स -0। और जो इसकी रेंज होगी बच्चों वो आप लोगों को पता है। अब रेंज के लिए एक्स की टर्म्स में फंक्शन को लिखा जाता है x=1/y। तो इसकी डोमेन रेंज क्या होगी बच्चों, बताओ बच्चों,
सारे रियल नंबर्स होंगे और वो जो होगा जीरो नहीं आ सकता किसी भी हालत में, और बाकी रेंज होगी ओके ऑल इन। कंटिन्यूटी के बारे में, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के। क्या होगा बच्चों? कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो ये बात समझ आई आप लोगों को? तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ चार तरह के फंक्शन किए। पहला कौन सा फंक्शन किया? कॉन्स्टेंट फंक्शन किया। दूसरा हमने आइडेंटिटी फंक्शन किया। तीसरा हमने लीनियर फंक्शन किया। और चौथा हमने क्या किया? रेसिप्रोकल फंक्शन। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा सा अलग सा करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बच्चों, ये बताओ? और कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, जीरो होता है, मतलब उसकी स्लोप हमेशा जीरो होगी क्योंकि वो लाइन पैरेलल टू क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। और लीनियर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कॉन्स्टेंट की टर्म्स में आएगा, और जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है उसकी जो डेरिवेटिव है वो हमेशा वन के इक्वल आएगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल वाले फंक्शन का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और जीरो पे उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। ये बच्चों आप लोगों ने बहुत छोटी छोटी क्लासेस के अंदर भी किया है, आज इस मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है। देखो बच्चों, मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह दिखाते हैं मोड एक्स के अंदर, ठीक है। कई बच्चे इसे वेक्टर की तरह समझते हैं, ठीक है। वेक्टर के अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है, वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव होगा हर हालत के अंदर। अब इस फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में हमें बात करनी है। तो ये बच्चों फंक्शन जो है ना वाई इक्वल टू मोड एक्स, तो इसके अंदर आपने बात याद रखनी है, ये फंक्शन एक्स होगा। जब हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो ये पॉजिटिव फंक्शन है, तो सारी वैल्यूज क्या लेगा? पॉजिटिव लेगा। लेकिन जब नेगेटिव डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके लिए उस फंक्शन को क्या मान लिया? नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस एक्स डाल दिया, ठीक है, ताकि नेगेटिव वैल्यू डालें तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर उसको क्या कर दें? पॉजिटिव कर दें। तो ये क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को या नहीं? ठीक है, क्लियर। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, और इस फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चों वो हमेशा वी शेप का बनता है, और इस ग्राफ को देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। तो डोमेन बताओ बच्चों क्या नजर आ रहा है आपको? तो डोमेन इसका बच्चों ऑल रियल नंबर्स है, कोई भी कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और रेंज जो है बच्चों इस फंक्शन की जो है वो क्या है? जीरो से इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? ओके। और बाकी इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है बच्चों, और वो इसके नेक्स्ट बाद हम डिस्कस करेंगे। उसे कहते हैं बच्चों सिग्नम एक्स होता है। सिग्नम इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। जब वो फंक्शन आएगा तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब आप यहां पर एक चीज और याद रखनी है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन जो है नॉट ड्राइवेबल है। क्या बच्चों? नॉट ड्राइवेबल। वो कैसे बच्चों? ये वाई इक्वल टू एक्स है, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। जब इसका आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या रहा है? माइनस वन। और राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या रहा है? वन। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां से बड़ी सारी बातें भी क्लियर होती हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो आप कहोगे ऑफकोर्स एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू गिव इट, ठीक है। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपसे ट्वेल्थ क्लास में पूछे जाएंगे कि आप हमें एग्जाम्पल दो कि वो दो पॉइंट पर फंक्शन क्या है बच्चों? ड्राइवेबल नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूस है। तो उसका एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो? मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू। बात आई बच्चों समझ? अब कई बच्चे दिमाग लगा के सोचते हैं कि ये एक्स माइनस वन कैसा होगा। तो बच्चों ये भी देख लो, इसका जो वन है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये वी शेप बनेगी। कहां पर बनेगी बच्चों? वन पे बनेगी। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? अच्छी तरह। और लेकिन इन सब की रेंज हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव नंबर आती है। वो क्या आती है? जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन कई बार बच्चों बोर्ड में भी आ चुका है, हर क्लास में भी आता है। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन बच्चों। वो क्या कहता है? मोड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो होता है जब एक्स इक्वल टू क्या होता है? जीरो। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? सिग्नम फंक्शन एक्स कहते हैं, और सिग्नम एक्स होता है। बात ही समझ? डेरिवेटिव जो होता है मोड एक्स का वो क्या होता है? सिग्नम एक्स होता है। तो इसका ग्राफ भी मैं बताता हूं आप लोगों को।
तो मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड x क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन x, तो मतलब ये क्या आ गया 1। जब x लेस देन 0 होगा तो माइनस x अपॉन x हो जाएगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। 0 जब x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका ग्राफ आप देख लो बच्चों, 0 मतलब ग्रेटर देन 0 पे इसकी कैविटी नहीं भरी जाएगी, तो ये ग्राफ जो है आपका इस तरह आएगा। और 0 पे बच्चों इसकी कैविटी है वो के लिए ग्राफ इस तरह का आएगा। तो इस ग्राफ के बारे में बताओ बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और इसकी जो डोमेन है बच्चों, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसकी जो रेंज आएगी बच्चों वो 3 ही पॉइंट आएंगी, -1, 0 और 1। और ये आपने ध्यान रखना है कि बाकी जो है जितने भी डोमेन्स होते हैं वो इंटरवल के अंदर आते हैं, जो पॉइंट्स के अंदर है। एक तो कॉन्स्टेंट के अंदर सिर्फ कॉन्स्टेंट फंक्शन एक पॉइंट आया, और एक सिग्नम फंक्शन के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, -1, 0, 1। कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे, ग्रेटर देन 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 आएगा, लेस देन 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर अभी तक पूछे गए हैं, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिग्नम फंक्शन किस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, आप लोगों ने किया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किस तरह का फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बच्चों देखो, छोटी क्लासेस में आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको समझो बच्चों, इसको डिनोट इस तरह किया जाता है, दोनों तरफ ये क्लोज ब्रैकेट लगाए जाते हैं और ये एक्स रखा जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि अब जैसे सपोज इसके अंदर आपने पाई रखा, तो सिर्फ इसके अंदर हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, और पाई आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, 3.14। जो न्यूटन का बर्थडे था वो 14 मार्च को था बच्चों, तो वहां से भी आप याद रखते हो, न्यूटन जो है पाई से बहुत लव करता था, तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो इधर इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी, ठीक है। और यदि मैं माई, अब जैसे 4.9 आया तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, 4 इंटीजर्स आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेंगे। और अब मैं ये कहता हूं माइनस पाई, तो यहां पर यदि किसी बच्चे ने इस तरह कर दिया, -3 आ गया, तो तब गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। क्यों गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, जो आपका ग्रेटर इंटीजर है वो जो हम निकाल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रल पार्ट -3.14 ज्यादा है या -3 ज्यादा है, तो -3 ज्यादा है यदि आप कैलकुलेट देखो तो इसलिए ये हमेशा कम होना चाहिए। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपका -4 आएगा, नॉट -3। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके डोमेन के बारे में बात करो बच्चों, क्या होगा डोमेन, डोमेन तो क्या होगा हमेशा बच्चों, ऑल रियल नंबर्स होगा। इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन के अंदर, बहुत सारी इक्वेशन और डिस इक्वेशन के बारे में बात की जाती है, इन इक्वेशन के बारे में बात की जाती है। और इसका ग्राफ जो होता है वो स्टेप फंक्शन होता है, और इसकी जो रेंज होगी बच्चों वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर्स होगी। क्या होगी बच्चों, इंटीजर्स। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो आप देख लो कैसे बनता है, 0 से 1 के बीच में ये 0 होता है, उसके बाद 1 से 2 के बीच में 1 होता है, 2 से 3 के बीच में इस तरह होता है। तो ये स्टेप फंक्शन बनता चला जाता है, और ये आएगा उसके बाद ये आएगा, और ये जैसे 1 है तो 1 पे ये आपका 1 ही आता है, तो इसलिए 1 तक यहीं आ गया। तो ये फंक्शन आपको कैसा नज़र आ रहा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो क्या है, स्टेप फंक्शन। इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो क्या है, स्टेप फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक फंक्शन और होता है बच्चों जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। और उसका डोमेन और रेंज के बारे में बात कर देते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। और इसको मैथमेटिशियन जो हैं सारे बुक्स वाले कैसे डिनोट करते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो अब ये बताओ बेटा, यदि मैंने यहां पर पाई लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 0.14, ठीक है। और यदि मैंने यहां पर क्या कहते हैं 2.9 लिख दिया तो ये क्या आएगा बच्चों, 0.9 आएगा। और बच्चों यदि मैंने यहां पर माइनस पाई लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि -0.14 जो है 1 में से गया तो ये 86 आएगा, कितना आएगा बच्चों,
सिक्स आएगा, ठीक है जी, आपको ध्यान होना चाहिए 0.86 आएगा, क्लियर है। कहीं आपने यहां पर 1.4 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जी आपको मालूम है जैसे -3 × 1/6 है, तो -3 इस माइनस के साथ है, दोनों के साथ नहीं है, इसका जो आंसर है वो 19/6 है। कहीं आपने इस तरह कर दिया तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही। और इसका जो डोमेन होता है बच्चों, आप लोगों को मालूम है क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। और इसकी जो रेंज आएगी बच्चों वो क्या आएगी, फ्रैक्शन आएगी, और वन भी नहीं हो सकता, और वो किसके बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन फंक्शन। तो इन फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या आ जाओ बच्चों, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है बच्चों बताओ, ये बच्चों पैराबोला टाइप का होता है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन रेंज के ऊपर किए हुए हैं, तो जैसे आपका रूट एक्स है, और ये जो मशीन है बच्चों इसके अंदर 0 रख सकते हैं, 0 से ज़्यादा ही रखेंगे, 0 से कम नहीं रखा जा सकता, यदि कम रखेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा। और ये जो आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि हर पॉलीनोमियल जो होता है वो फंक्शन होता है, क्योंकि ये पॉलीनोमियल भी नहीं है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है। तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चों, आप लोगों को मालूम है फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह होता है। तो इसका जो डोमेन है बच्चों वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स नहीं होगा, वो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हमेशा इस तरह ओपन ब्रैकेट में चला जाता है। और इसकी जो रेंज आती है बच्चों वो हमेशा कैसी आती है बच्चों, रेंज कैसी आती है बच्चों, इसकी रेंज आएगी इसकी बच्चों 0 से, वो भी रेंज भी जो आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, 0 से इन्फिनिटी। समझ आ रही बात जानी, क्लियर है, ग्राफ से भी देख के पता चल रहा है। तो ये क्या बच्चों, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्लियर हो गया बच्चों यानी, ओके। इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाले के बारे में बात हो गई कि पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद एक और पार्ट रहता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, वो उसको हम अलग से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उसकी डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह इतने टाइप्स के फंक्शन हैं जिनकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, और कुछ भी पूछे तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। तो आप बच्चों थोड़ा सा आप मेरे साथ एक एक्सरसाइज करेंगे, माइनस मोड एक्स, इसका डोमेन बताओ बच्चों क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, और अब इसकी रेंज जो है पलट जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या आ गई बच्चों इसकी, माइनस इंफिनिटी से 0, वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों इसी तरह मैं कहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का, तो इसका डोमेन तो बच्चों ऑल रियल नंबर्स ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रेंज भी इसकी बच्चों चेंज नहीं होगी, क्योंकि माइनस लग गया, जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले जो हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो इसकी जो रेंज है वो क्या रहेगी, इंटीजर ही रहेगी। और ये बताओ बच्चों वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो अब इसकी जो डोमेन है वो तो बच्चों ऑल रियल नंबर्स रही, ठीक है, और इसकी जो रेंज है बच्चों वो क्या हो जाएगी, -1 to 0, क्या हो जाएगी, -1 to 0, 0 इंक्लूड होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1 to 0, क्योंकि बाहर क्या लग गया, माइनस लग गया। इज इट क्लियर और नॉट, अच्छी तरह क्लियर है, ओके। तो और इसका भी बता दो बच्चों चलते चलते, 1/(x-1), इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स -1, और रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को देखना पड़ेगा, ऑल रियल नंबर्स -1, इस तरह हम निकाल देते हैं, ठीक है। अक्षित समझ आया आपको, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।